हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। पालक कितना हेल्दी होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन कुछ बच्चे और लोग हैं जो पालक खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरह से पालक बनाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म हो जाने के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। उससे पहले पालक को आप अच्छे से धो लें। यहाँ मैंने 300 ग्राम पालक लिया है। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको करीब 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे लो फ्लेम में। देखिए, पालक बॉयल हो चुका है और इसका पानी हम लोग बाद में सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई को पहले गर्म कर लें। यहाँ 2 चम्मच मैं देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 7 से 8 टुकड़ा लहसुन का। इसको 30 सेकेंड तक फ्राई करें, लेकिन ध्यान रहे जीरा जले ना। अब इसमें हम प्याज और मर्चा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जो मैंने काट लिया है, और मर्चा स्वाद अनुसार। इसको तब तक फ्राई करें जब तक ना प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो जाए। देखिए, कलर जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, मतलब ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। इसको भी करीब 1 मिनट तक आपको फ्राई करना है लो फ्लेम में। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। ये है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने पानी देके पेस्ट कर लिया है। इसको भी करीब 2 मिनट तक आपको फ्राई करना है लो फ्लेम में। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको करीब 1 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। याद रहे पालक में हमने ऑलरेडी नमक डाला है, तो नमक ध्यान से डालें। इसको 30 सेकेंड तक फ्राई करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जो मैंने बारीक कट लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और करने के बाद करीब 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे लो फ्लेम में। 1 मिनट बाद टमाटर थोड़ा गल चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर और अच्छे से गल जाए। करीब 30 सेकेंड तक फ्राई करें लो फ्लेम में। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ आलू। मैंने आलू को नमक देके उबाल दिया है और उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। इसको भी करीब आपको 2 मिनट तक फ्राई करना है लो फ्लेम में। आलू जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ पालक ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लें। इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए और थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से मिला लें और इसको करीब 7 से 10 मिनट तक आपको लो फ्लेम में पकाना है ढककर। देखिए, सब्जी जो है वो रेडी है। ये बहुत हेल्दी होता है और वेट लॉस के लिए भी तो और अच्छा। घर में एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।